हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपट्रॉप, यू बैक अगेन। और वीडियो की शुरुआत करेंगे। अभी आपको बता दें कि इसके दो एपिसोड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टोर का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। साक्षी फर्नीचर के नाम से जो स्टोर है, इट इज़ मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड स्टोर, जहाँ पे हमने सचिन से बात की थी। यहाँ पे आपको टीक वुड में बहुत अच्छा फर्नीचर मिल जाता है। स्पेशलाइज्ड हैं एक्चुअली ये टीक वुड में। आज हम इनके पूरे स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया सचिन। अब हमने बेड्स भी देख लिए और कुछ डाइनिंग टेबल देख लिए। ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास, जल्दी से एक अलग से वीडियो बनाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कॉर्नर शेल्फ है, ये देखिए। अब ये इसकी खासियत है सर, ये ना आप रिमूवेबल है। तो अच्छा, ओ ओके। अच्छा अच्छा, मुझे लगा था क्विक हो जाएगा ये। अच्छा, ये पूरा पैक हो जाएगा क्या? पूरा पैक हो सकता है। ओके, इसको आप ऐसे कर सकते हैं और फिर ये ऐसे बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा लाइक ए बुक। ओके, जरा करके बता सकते हैं ये ऐसे, क्योंकि ये मुझे लगा था हम कोई वीडियो करेंगे, पर ये लगता है कि ये देखिए पूरा का पूरा बुक शेल्फ। हाइट कितनी है इसकी? सिक्स फीट है ये। अच्छा, ये पूरा ऐसे पैक होगा। ओके, नीचे वाला भी शायद ये पैक होता हुआ है ना। ओके, ओ जरा खींचिए इसको एक तरफ उठाइए। ओ ये तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा है ना, इजीली ट्रांसपोर्टेबल। व्हाट इज़ दी हाइट सचिन, इसकी हाइट कितनी है? छोड़ दी, 6 फीट है। तो ट्रांसफरेबल जॉब में अगर आप हैं एंड यू बिलीव यू हैव टू रन अराउंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, देन दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस। किसी भी कॉर्नर में आ जाएगा, बिकॉज 90 डिग्री का है ये। एंड बी इट योर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, आप किसी भी में रख सकते हैं, बाथरूम को छोड़ के कहीं भी। ये कितने का है? 6 फीट टॉल, ये पड़ेगा आपको 7500। 7500 का है ये, ठीक है। क्विक वीडियो है, फटाफट कवर करेंगे। दिस इज दी वॉल पे लगाने के लिए है ये, राइट? ओके, ये कितने का है? ये आपको 3500 ईच पड़ेगा। ये भी 3500 ईच का है, ये डार्क ब्राउन कलर में है ये, ठीक है ना। शीशा मैंने इसलिए ग्रे से इनकी डार्क। ओके, अच्छा अच्छा, इसीलिए थोड़ा ये डार्क है। ओके ठीक है। ये सेट ऑफ 3 स्टूल ये कितने का होगा? ये आपको पड़ेगा 5500 का सेट। ओके, इनको कहाँ रखा जाता है? इनको जैसे आप सोफा साइड टेबल्स, आप इसको एनी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप इन पर सिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप इनको चौकी के लिए यूज कर सकते हैं, स्टूल के लिए यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। एंड दीज आर दी यूनिट्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है। बेसिकली जोधपुरी डिजाइन है ये, ब्रास वर्क के साथ है। ये थोड़ा सा इसको एंटीक फिनिश दिया गया है। ओके, ये क्या रेंज में होगा? ये आपको पड़ेगा ये वाला 15,000 का, ये वाला 18,000 का। ओके ठीक है। और ये हमारे पास कुछ यहाँ पे साइड टेबल्स भी हैं, कुछ और सोफाज भी हैं। फोटो खींच के आप सचिन को भेज दीजिए, वो आपको बता देंगे। टीक में है, शीशम में है। अगले दूसरा सेक्शन में चलते हैं। वी आर इन दी सेकेंड सेक्शन नाउ, आपको दूसरी के लिए आए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये टीक में है, ये टीक में आप फिनिश देख के ही पता कर लगा सकते हैं कि ये टीक है, शीशा में। राइट है, वो कलर से भी और फिनिश से पता चल जाता है। क्या रेंज में होगा वो? ये आपको पड़ेगा 15,000। 15,000, माय फेवरेट कलर रेड। ये क्या है? एलिफेंट। ये एलिफेंट है, ये आपके डिस्प्ले के लिए। ओके, इसको पूजा में भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। इसके ऊपर आप गणेशा भी सेट कर सकते हैं, तो या एंट्रेंस पे आप इसके ऊपर फ्लावर वेज भी रख सकते हैं ना, फ्लावर पॉट वगैरह भी रख सकते हैं। एक ये बहुत वुडन ट्रॉली है, ये वुडन ट्रॉली है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने सॉरी उसका प्राइस भूल गए। ये कितने का है? ये वाला आपको पड़ेगा 15 का, और ये आपको 2500। ओके, एंड दिस ट्रॉली ये देख सकते हैं, इसमें आपका स्टोरेज भी है। अच्छा, वी कैन चेंज हैंडल्स आल्सो। ऑलराइट, अगर आपको इफ यू डोंट लाइक दिस, वी कैन चेंज इट। अच्छा, दिस इज लाइक अ बार यूनिट। ओके ओके ठीक है, ये निकल जाता है पूरा, पूरा निकल भी सकता है, इसमें स्टॉपर भी लग सकता है। ओके, ये निकलेगा। अच्छा, इसमें आप एक स्टॉपर लगा देंगे। हाँ, स्टॉपर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जगह है, यहाँ पे आप अपना कुछ ग्लासेस रख सकते हैं। हाँ, ग्लासेस रख सकते हैं। और ग्लास हैंग करने के लिए भी जगह है। हाँ, ये वाइन ग्लासेस आप यहाँ वाइन ग्लासेस हैंग कर सकते हैं, बॉटल्स यहाँ रख सकते हैं। दिस इज लाइक अ कम्प्लीट वॉकिंग बार यूनिट। दो अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ, बट वी कैन जो पीते हैं ठीक है उनके लिए। ट्रॉली है ये, है व्हील के ऊपर चलता है। 360 डिग्री। ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको 13,500। 13,500 का है, ठीक है। एक आपके लेफ्ट से चेयर आई थी, ऐसी डाइनिंग चेयर है ना। ओके ठीक है, हमने बोला था कि क्विक लुक करेंगे। एक ये टेबल है कंसोल के जैसे यूज होता है, ये कहाँ पे रखा जाता है? आपको देखिए, आप इसको एज अ साइड टेबल यूज कर सकते हैं, एज अ बेड साइड टेबल यूज कर सकते हैं, एज अ सेंटर टेबल। जो कॉफी टेबल होती है उसकी थोड़ी सी हाइट ऊंची होती है, वो यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने गैलरीज में लगा सकते हैं, इसके ऊपर मिरर हैंग कर सकते हैं। ओके, ये कितने का है?
ये आपको पड़ेगा सर 18,000 का, बिकॉज दिस इज टीक। हाँ पूरा टीक का बना हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ये पूरा आई गेस मार्बल, मार्बल है ये। अच्छा मार्बल चेंज हो सकता है मार्बल इसका? आप इसमें वाइट ले सकते हैं, येलो वाइट ले सकते हैं, इसमें मार्बल के भी हमारे पास कई ऑप्शन हैं। ठीक है, बेड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये स्टूल का सेट ऑफ नेस्ट ऑफ थ्री ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 3,500। 3,500। ये देखिए ये हाफ सेमी कट होता है, ये इसको बोलते हैं डी कंसोल। डी कंसोल, ओके, क्योंकि ये डी शेप में होता है इसलिए इसको डी कंसोल बोलते हैं। दिस इज टीक वुड। डोंट बी सरप्राइज कि अगर आपको ये हो सकता है सिंथेटिक में मिल रहा हो बाहर, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जन कभी कभी देखिए फोर लेग्स में है, सिंगल लेग्स में भी आता है ये। सिंगल लेग्स में, ओके। ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 9,000। 9,000 रुपीज़ का है। ऑल राइट, डन। एंड ये सारा का सारा एक बार डिस्प्ले यूनिट है, ये भी टीक वुड में है। टीक वुड का डिस्प्ले यूनिट, इसमें आप लाइट भी लगा सकते हैं जिससे आपका और लुक लुक मतलब अच्छा अच्छा आएगा। ओके, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा सर 38,000 का। ओके, लेकिन इसके ऊपर वर्क भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर देख रहे हैं आप, इसलिए ये 38,000 का है। ओके, देर आर सम टेम्पल्स ऑल्सो। अंदर भी हमने देखा था, एक ये बुक शेल्फ है। हाउ मच इज दिस फॉर ये बुक शेल्फ? अगेन 7,500 का है ये। ये मिरर है जिसमें हम आपको देख पा रहे हैं। ओके ओके, ये कितने क्या रेंज में? ये आपको पड़ेगा 6,000 का है ये। ओके, और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, शीशम में है ये भी? ये भी शीशम। ओके, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा सर 18,000। 18,000। ऑल राइट, देखिए ग्रेजुअली वी हैव कम टू एन एंड नाउ, और जब हम वीडियो एंड करते हैं ना तो दरवाजे पे आ गए लिटरली। लेट्स गो बैक एंड जो बाहर रखा हुआ है ना दो प्रोडक्ट वो देख लेते हैं। थोड़ा नॉइजी है, आपको थोड़ा जोर से बोलना होगा। ओके सर, मेरी आवाज़ तो है ही बुलंद, आइए। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन। देखिए ये है आपका, ये आपका कोट हैंगर है। ये कोट हैंगर है, ओके। आप अपने बैग्स हैंग कर सकते हैं, अपने कोट्स, अपने शर्ट, अपने टॉवल, आप इसमें काफी चीजें हैंग कर सकते हैं। ये कस्टमाइज होकर कलर चेंज हो सकता है क्या? कलर भी चेंज हो सकता है, अगर आपको इसमें साइज डिफरेंट चाहिए वो भी बना सकते हैं आपके लिए। ओके ठीक है। एंड दिस इज लाइक अ ट्री, ये पूरा एक पेड़ जैसा है फॉर डेकोरेटिव पर्पस। इसमें फ्लावर पॉट अच्छा रख सकते हैं आप, और इसमें डिस्प्ले के लिए भी कुछ रख सकते हैं, फोटो फ्रेम्स रख सकते हैं। ओह दैट्स अ गुड आइडिया। I was just thinking because I'm a book lover, I love reading books. I can keep books एक के ऊपर एक रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। I like this. It's a very good concept. Books भी रख सकते हैं। Thanks a lot for talking to us and we have come. और आपको एक बार फिर से दिखा दें, ये हम हैं जहाँ पे, स्टोर का नाम है साक्षी वुड फर्नीचर। देखिए हमने डिस्प्ले भी देख लिया, आपके ऊपर ही मिल गया, वेरी नाइस। ठीक है सचिन, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। पर एक मिनट जाने से पहले एक बार और रॉकिंग चेयर बता दीजिए हमें। अच्छा, जो मैंने बताया था आपको रे बैम्बू का होता है, और ये भी टीक वुड में है। अच्छा, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। ओके, इसके ऊपर सीट बन सकती है क्योंकि ज्यादा टाइम बैठना होता है तो आप ले सकते हैं। इसमें नॉर्मली लूज अच्छा कुशन आते हैं इसके साथ। ये कितने का होगा? ये आपको पड़ेगा सर 15,000। 15,000, ओके। और ये एक ये यूनिट है, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा सर 8,000 का। दिस फॉर 8,000 रुपीज। एक पीछे ये वाला देख रहे हैं कंसोल, ये भी टीक में है। टीक में ये कंसोल है, ये भी बहुत प्यारा कंसोल है। ये मैंने इसका एक ऐसे एक पीस पहले भी देखा था दूसरे वाले स्टोर में आपके। ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा सर 20,000। 20,000 का है ये। वी कैन चेंज मार्बल आल्सो इफ यू डोंट लाइक दिस कलर, वी कैन गिव यू ऑन वाइट कलर एंड ग्रीन कलर। अच्छा ऑलराइट, ठीक है। सो वी हैव कम टू एन एंड नाउ, वापस वहीं चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। सो यू वर एट साक्षी वुड फर्नीचर, दिस इज द स्टोर। ये जो स्टोर है यहाँ से यू कैन कम फ्रॉम मेट्रो, यहाँ से भी आ सकते हैं, और एल्स इफ़ यू आर कमिंग बाय दिस इज़ द वे टू दिल्ली एंड दैट्स द वे टू गुड़गांव, यू कैन पार्क योर कार हियर। यहाँ पे पार्किंग भी है, पार्किंग इजी है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे कभी भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस है पार्किंग के लिए। ओके, सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली देन दिस इज द मेट्रो स्टेशन सुल्तानपुर, आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके यू कैन कम हेयर। ऑल राइट सचिन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू।